यह छोटी सी कहानी एक अंधे भिखारी की है जो एक हीरो बन गया लोगों के लिए अपने जीवन के द्वारा। यह कहानी उस व्यक्ति के है जिसका नाम है कोंडिबा गायकवाड़, जो एक भिखारी था लेकिन उसे भीख मांगने से नफरत थी। वह 1972 और 73 के अकाल के दौरान भोजन की तलाश में मुंबई आया था। झाड़ू जैसी वस्तुएं बेचने के उसके प्रयास असफल रहे थे। उसने पाया कि मुंबई निवासी भिखारियों, विशेषकर अंधे भिखारियों की दिल खोलकर मदद किया करते हैं। 25 वर्ष का कोंडिबा अंधा था। वह उस समय केवल 8 साल का था जब चेचक ने उसे अंधा बना दिया था। कोंडिबा झुग्गी झोपड़ी की एक बड़ी आबादी गोलीबार में तुकाराम और उसकी पत्नी येलनबाई के साथ रहता था। यह उत्तर पूर्वी मुंबई के घाट कोपर इलाके में स्थित थी। झुग्गी झोपड़ियों के बीच खुले इलाके में एक कुआं था। इसमें मोटी काली हरी परत वाला पानी मौजूद था। यह कुआं झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ रही आबादी के लिए पानी के स्रोत के रूप में 2 साल पहले ही खोदा गया था, लेकिन इसके चारों ओर मुंडेर नहीं थी। इसका मुहाना धीरे धीरे बड़ा हो गया था क्योंकि इसके किनारे की मिट्टी और पत्थर कुएं में ही गिरते रहते थे। इसका तल संकीर्ण था और कीचड़ एवं घास फूस से भरा हुआ था। यह कुआं खतरनाक दिखाई नहीं देता था, लेकिन यह था खतरनाक। कहानी के इस संघातिक दिन में आसमान में बादल छाए हुए थे। कोंडिबा खाने के लिए वापस आया था। उसका दिन समाप्त हो चुका था और उसके टाट के छोटे झोले में 5 से 6 रुपए इकट्ठे हो चुके थे। अचानक कोंडिबा और एलनबाई को अत्यधिक विस्मयकारी शोर शराबा सुनाई दिया। एक औरत जोर से चिल्ला रही थी कि कोई कुएं में गिर गया है। कोंडिबा ने येलनबाई से उसे वहां पहुंचने के लिए कहा। वे बड़ी कठिनाइयों से किसी तरह कुएं के मुहाने तक जा पहुंचे। वहां कोंडिबा ने अपनी कमीज उतारी और पानी में उतर गया। 2 लड़के वहां पहले ही छोटे अरविंद की तलाश में हाथ पैर मार रहे थे। अरविंद पानी खींचते समय एक पेड़ के तने से गिर गया था। वे दोनों लड़के गोता नहीं लगा सकते थे। कोंडिबा बचपन में एक अच्छा तैराक हुआ करता था। उन दिनों वह टूटे हुए बर्तनों के चमकदार टुकड़ों को निकालने के लिए अपने गांव के कुओं में गहरे गोते लगाया करता था। उन टुकड़ों के साथ वह और उसके दोस्त खेला करते थे, लेकिन गरीबी ने उसे कमजोर बना दिया था। उसके अब आने पर यह विश्वास नहीं रह गया था कि वह कुएं की तली में पहुंचने तक सांस रोक पाएगा या नहीं। कोंडिबा एक पल के लिए सतह पर रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और गोता लगाया। कुएं के किनारों पर स्थित चट्टानों के साथ साथ उसके तल तक पहुंचने के लिए सावधानी पूर्वक अपने रास्ते का अंदाजा लगाया। उसके पैर कोमल कीचड़ और फिसलनदार घास फूस से धंस गए। उसे थकान महसूस हुई और वह फूली हुई सांस के साथ वापस सतह पर आ गया। अरविंद को कुएं में डूबे 2 मिनट बीत चुके थे। उसकी चाची भी, जिसके साथ वह रहता था, कुएं पर मौजूद थी। कोंडिबा जब उसके भतीजे के बिना सतह पर आया तो कोंडिबा को उसका रोना सुनाई दिया। कोंडिबा ने दोबारा एक गहरी सांस लेकर कीचड़दार गहराइयों में गोता लगाया। इस बार वह कुएं की आकृति से परिचित हो गया था। उसने तलहटी पर अपने हाथों से खोजने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसे वह लड़का नहीं मिला। उसके फेफड़े लगभग फटने ही वाले थे, इसलिए कोंडिबा दोबारा सतह पर आ गया। पहली बार की अपेक्षा इस बार वह अधिक देर पानी में रहा था, इसलिए कुएं के चारों ओर मौजूद औरतें और बच्चे अधिक उत्तेजित थे। जब भीड़ ने उसे अकेले आते देखा तो सभी निराश हो गए, लेकिन कोंडिबा सतह पर केवल एक ही पल ठहरा। उसने तुरंत सांस खींची और तीसरी बार पानी में गोता लगा दिया। अरविंद की चाची की ऊंची आवाज उसके कानों तक पहुंच रहा था। फिर कोई चिल्लाया, क्या तुम लड़के को ढूंढ नहीं पा रहे हो? कोंडिबा को अपनी नेत्रहीनता पर बड़ा दुख हुआ। उसके मन में विचार आया कि अगर उसकी आंखें होती तो वह डूबे हुए बच्चे को आसानी से ढूंढ लेता। उसे यह पता नहीं था कि सामान्य नेत्र भी उस कीचड़दार पानी में देख नहीं पाते। कोंडिबा को अत्यधिक थकान महसूस हो रही थी।
लेकिन वह जानता था कि अरविंद को जिंदा ढूंढ पाने की केवल यही एकमात्र आशा है। वह कीचड़ और घास फूस में अपना रास्ता बनाते हुए यथासंभव दूरी तक लड़के को खोजने का प्रयास करने लगा, क्योंकि उसके मन में विचार आया कि अरविंद अदृश्य नहीं हो सकता, उसे वही होना चाहिए। अपनी दर्द कर रही पसलियों के साथ कोंडिबा को महसूस हुआ कि अब वह अपनी सांस और नहीं रोक सकता था। वह ऊपर आने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी उंगलियों ने घास फूस के बीच किसी कोमल चीज का स्पर्श किया। यह कपड़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अरविंद का पैर मिला। वह लड़का वहीं कीचड़ और घास फूस में पड़ा हुआ था। कोंडिबा का हृदय दर्द के साथ धड़क रहा था। उसे ताजी हवा की अत्यंत आवश्यकता थी। वह अरविंद को बाहर खींचना और उस कीचड़ से निकालना चाहता था जिसमें वह फंसा हुआ था। फिर अचानक उसके हाथ में लड़के की बेल्ट आ गई। उसने उस बेल्ट को अपने दाएं हाथ से कसकर पकड़ा और लड़के को घास फूस से मुक्त कराया। फिर वह वापस पलटा और अपने शरीर को ऊपर की ओर धकेला, लेकिन उसकी रीढ़ और मांसपेशियां भयंकर दर्द कर रही थी। इसके कारण उसका हिलना डुलना तक लगभग बंद हो गया था। उसका मस्तिष्क उसके शरीर को ऊपर की ओर जोर लगाने के लिए कह रहा था, लेकिन भूखा शरीर उसके मस्तिष्क की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कोंडिबा ने उस लड़के की बेल्ट को अपने दाएं हाथ से कसकर पकड़ा हुआ था और उसने अपने स्वतंत्र हाथ तथा पैरों से अपने आप को ऊपर की ओर धकेलने के लिए जूझना आरंभ किया। उसने तल से सतह तक 6 मीटर की दूरी ऐसे समय में तय की जो अत्यधिक लंबी महसूस हो रही थी। जब वह सतह पर पहुंचा तो वह सांस के लिए हाँफ रहा था। दूसरे हाथों ने जल्दी ही अरविंद को लपक लिया और कुएं से बाहर निकाल लिया। कोंडिबा कुएं के पथरीली किनारे को पकड़े रहा। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसका शरीर अत्यंत थका हुआ था। वह अरविंद को कृत्रिम श्वास देने का प्रयास कर रहे लोगों की आवाजें सुन सकता था, लेकिन उसने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अंततः उस लड़के ने उल्टी करना शुरू किया और खुशी से चिल्लाने की आवाजें कोंडिबा के कानों तक पहुंची, जो अभी भी कुएं में था। फिर अरविंद को जल्दी अस्पताल ले जाया गया। एक व्यक्ति ने कुएं से बाहर आने में कोंडिबा की मदद की और एक औरत ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। येलनबाई उसे वापस झोपड़ी तक ले आई। यहां कोंडिबा ने अपने कपड़े पहने, फिर उसने अपना अधूरा भोजन खाया और सो गया। शाम के समय एक पुलिस अधिकारी कोंडिबा के पास आया। उसने अंधे भिखारी को बताया कि उसने जिस बच्चे का जीवन बचाया था वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोंडिबा को बाद में पता चला कि अगर वह लड़का कुछ और समय कुएं में रहा होता तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका मस्तिष्क निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता। कोंडिबा ने समय रहते उसको बचा लिया था। अगले दिन अरविंद अपनी चाची के घर वापस आ गया। वह तुरंत अपनी चाची के साथ कोंडिबा के पास पहुंचा। जब उस लड़के ने आभारपूर्वक कोंडिबा के पैरों का स्पर्श किया तो उसकी चाची अपनी डबडबाई आंखों से उसे निहार रही थी। यह तय था कि कोंडिबा ने एक जिंदगी बचाई थी, लेकिन उसका जीवन अभी भी भीख मांगकर पेट भरने तक सीमित था। वह अपना टाट का थैला लिए फिर मुंबई की सड़कों पर आ गया। जल्दी ही उसकी बहादुरी के चर्चे फैलने लगे। अनेक स्थानीय और राष्ट्रीय अखबारों ने उसके साहसिक बचाव कार्य की खबर प्रकाशित की। अचानक ही कोंडिबा एक नायक बन गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों ने कोंडिबा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसे कुल मिलाकर 12,970 रुपए पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। उसने कुछ समय होम फॉर ब्लाइंड में बिताया। वहां उसने बोतलों को पैक करने और कुर्सियों की गद्दी बनाने जैसी दस्तकारियां सीखी। इन दिनों कोंडिबा अपने मूल गांव के निकट एक बाजार नुमा शहर जालना में रहता है। उसने एक स्थानीय लड़की से विवाह कर लिया है और उसका अपना छोटा सा कारोबार है। कुएं में छोटे लड़के को खोजने की उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने स्वयं कोंडिबा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। भीख मांगने से नफरत करने वाले भिखारी को अब दोबारा कभी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।